मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है, तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनएचएम हरियाणा नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आपका एडवर्टीजमेंट यहां पे डाला गया है। ये वैकेंसी कहां से आई है, मतलब ये रिक्रूटमेंट कहां से निकाला गया है, अलग अलग पदों पर निकली हुई है भर्ती, इसके लिए आपकी क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे और कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ NHM नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा। सो नाउ लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट भिवानी। लास्ट डेट है भाई 6 अगस्त 3 बजे तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं DH&FWS भिवानी की तरफ से, NHM की तरफ से यहाँ पर 31/3/2022 तक ये पोस्ट निकली हुई हैं, डेजिग्नेशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें स्टाफ नर्स की पोस्ट की, तो 18 से 42 साल एज लिमिट है और यहाँ पर ये देख सकते हैं 3-4 NCU एंड 1-4 NRC। वैकेंसी की कैटेगरी की बात करें तो 2 SC की है, 1 BCA की है और 1 EWS की है। टोटल यहाँ पर 3 शीट हैं, टोटल वैकेंट पोस्ट 3, यहाँ पे देखिए SC1A ये कैसे दिया है, 2 SC 1 BCA 1 EWS ऐसे दिया है। और ये पे स्केल है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू आपका 16 तारीख को रहेगा। BSc नर्सिंग मांग रखा है भाई, या फिर GNM हो आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, या तो BSc नर्सिंग हो या तो GNM का कोर्स हो, और आपके पास यहाँ पर हिंदी और संस्कृत होना चाहिए मैट्रिक में। सबका 16 तारीख का एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है वो देखेंगे एज पर अकॉर्डिंग। स्टाफ नर्स यहाँ पर बात कर सकते हैं मैटरनिटी वार्ड में 1 SC है, 1 BCA भी है, 2 पोस्ट हैं। स्टाफ नर्स PHC में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है सारी। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर साइकेट्रिक और नर्स ट्रेंड जनरल नर्स की, यहाँ पर DMHP में यहाँ पर UR की एक वैकेंसी है। कम्युनिटी नर्स की बात करें तो UR की एक वैकेंसी है। ANM की बात करें तो 1 BCA है, 1 जनरल ESM है और 1 WS, 3 वैकेंसी हैं यहाँ पर। ये 9 तारीख को होगा। ANM कोर्स मांग रखा है या फिर आपका रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल और मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद AMO मेल की बात करें तो BCB की तरफ से 1 वैकेंसी है। एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा सिस्टम में मेडिसिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन हरियाणा। 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम या इंटरव्यू होगा। HMO की बात करें तो UR की एक वैकेंसी है। यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो UR की एक वैकेंसी है। 20 तारीख को यहाँ पर एग्ज़ाम या फिर आपका इंटरव्यू होगा। और HMO के लिए यहाँ पर होम्योपैथिक में आपकी डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो आपके पास VOT या VPT होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल की, यहाँ पे तो UR की एक वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी एंड ए मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी और मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी ऑब्टेन आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ ए फुल टाइम कोर्स ऑफ 2 ईयर, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर की बात करें, सब में एज लिमिट 18 से 42 साल है भाई, ठीक है। तो UR की एक वैकेंसी है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ME&EO की बात करें तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांग रखी है और नॉलेज ऑफ विंडो वेस्ट पैकेज एप्लीकेशन डिजायरेबल है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट केस रजिस्ट्री असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर UR की एक वैकेंसी है। हाईएस्ट सेकेंडरी मतलब आपकी +2 है और विंडो वेस्ट पैकेज का नॉलेज होना चाहिए और डिज़ायरेबल है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो।
कोऑर्डिनेटर की बात करें तो यूआर की एक वैकेंसी है, एमबीए या मास्टर होना चाहिए आपका पब्लिक हेल्थ में, या मास्टर इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन विद 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस। उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें तो यूआर की एक वैकेंसी है, बीएएसएलपी बीएससी स्पीच एंड हियरिंग के लिए आपका मांग रखा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें सुपरवाइजर एचआईवी कोऑर्डिनेटर की एक वैकेंसी है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ का, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और विलिंग टू ट्रैवल इन द एरिया ऑफ वर्क और हिंदी और संस्कृत आपका मैट्रिक लेवल पे 23 तारीख का आपको एग्ज़ाम है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर की एक वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, 23 तारीख को एग्ज़ाम है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर की बात करें तो एक वैकेंसी है, एमबीए या पीजी डिप्लोमा आपका मैनेजमेंट में, अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो 5 वैकेंसी है, बीकॉम में 55% आपका होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए टैली की भाई, ठीक है। 12 तारीख को एक एग्ज़ाम है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यूआर की एक वैकेंसी है, बीएससी होना चाहिए लैब टेक में और डिप्लोमा इन लैब टेक कोर्स में, और काउंसलर आई डोनेशन की बात करें तो एक वैकेंसी है, ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी सोशल वर्कर। फार्मेसिस्ट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की एक और एक जनरल ईएसएम की 2 वैकेंसी है, 10+2 विद साइंस पीसीएम नहीं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद बात करते हैं काउंसलर एडोलसेंट हेल्थ की तो मास्टर इन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सोशल वर्क चाइल्ड डेवलपमेंट, 12 तारीख को एग्ज़ाम है। और उसके बाद आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आप देख सकते हैं, 6 तारीख तक आप यहाँ पर सबमिट करा सकते हैं। ये एड्रेस भी दिया है उन्होंने, सिविल सर्जन एचएम रूम नंबर, यहाँ पे आपको पोस्ट या कॉरियर के थ्रू यहाँ पे भेज देना है। 6 तारीख के बाद कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपके फॉर्म पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, आप खुद भी जा सकते हैं यहाँ पर। द कैंडिडेट शुड रीच एट एड्रेस है 9 AM तक आप खुद भी जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म भर देना है। फॉर्म कैसे फिल करना है, कैंडिडेट का नेम, फादर का नेम है या हस्बैंड का नेम, आपका मेल या फीमेल है, कैटेगरी से किससे बिलोंग करते हो, आपका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपका देना है, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको फिल करनी है यहाँ पे। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप कहाँ, ट्रेनिंग, टोटल एक्सपीरियंस, डिक्लेरेशन, डेट एंड सिग्नेचर। सो दिस इज़ द लेटेस्ट रिक्रूटमेंट थ्रो द हरियाणा NHM के तहत आपकी यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं और मैंने आपको डिटेल्ड बता दिया है। अगर आपको ये ऑफिशियली देखना है तो आप भिवानी, जो हमारी DHFWS डिस्ट्रिक्ट भिवानी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सारी चीज़ें। जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।